अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, क्योंकि यह अलौकिक कुंभ है, दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है। नमस्कार, मैं निखिल कुमार और प्रयागराज से आप लाइव देख रहे हैं punjabkesari.com। मेरे चारों ओर और मेरे पीछे जो आप नदी देख रहे हैं वो और कोई नहीं, प्रयागराज का संगम है। संगम यानी त्रिवेणी, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का संगम यही होता है, इन तीनों पवित्र नदियों का संगम, जिन्हें हम माँ का दर्जा देते हैं। और इस बार खास क्यों है, क्योंकि कल है मौनी अमावस्या का दूसरा महास्नान, शाही स्नान। अब आपको चलिए बताते हैं मौनी अमावस्या पे क्या संयोग पड़ रहा है। इस समय सबसे बढ़िया संयोग ये पड़ रहा है कि मौनी अमावस्या और सोमवती अमावस्या एक साथ पड़ रही है। ऐसा कितने हजारों सालों में एक बार होता है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों तक को सोमवती अमावस्या नसीब में नहीं थी, उनके काल में सोमवती अमावस्या नहीं आई थी। चलिए अब ज़रा आप एक बार यहाँ का नज़ारा देखिए। आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी आपको केवल और केवल यहाँ पर आस्था से सराबोर श्रद्धालु ही नज़र आएंगे। जहाँ तक आपको यहाँ पर लाइव जैकेट भी दिख रही होगी, काफ़ी सारी बोट्स हैं, लाइव जैकेट है, सुरक्षा के भरपूर इंतज़ाम है कि कहीं कोई हादसा ना हो। सरकार प्रशासन हर पिछले हादसे से सबक ले रही है। भीड़ का अनुमान कुछ यूँ है, मैं अपने कैमरे में रह से कहूँगा एक बार मुझे दिखाएं जी। भीड़ का अनुमान कुछ यूँ है कि पिछले शाही स्नान पे जो 15 जनवरी को मकर संक्रांति का था, उस पर प्रशासन ने अनुमान लगाया था कि 2 से 2.5 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे, और ऐसा ही हुआ था। 2 से 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी, लेकिन इस बार उससे 2 गुना, लगभग 1.5 गुना ज़्यादा अनुमान है श्रद्धालु प्रशासन का, कुंभ प्रशासन का, मेला प्रशासन का, कि इस बार लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। और यह भी सच हो गया है, लगभग कल तक जो आंकड़ा हमने अधिकारियों से पता किया था, लगभग 2.5 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं, प्रयागराज में प्रवेश कर चुके हैं। अब अगर और हम आपको जानकारी दें इस व्यवस्था की और सबकी, सुरक्षा व्यवस्था हर तरफ चाक चौबंद है। आप किसी से भी पूछिए, हर जगह आपको यही दिखाई देगा कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस, आर्मी, पीएसी, जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी बटालियन, जितनी भी आर्मी की कंपनीज हैं, वो सभी श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं, भक्तों की मदद कर रहे हैं। चारों ओर का नज़ारा आप देख रहे हैं, LED लाइट्स देख रहे हैं। कल 24 घंटे पहले से ही और स्नान के एक दिन बाद तक ही प्रशासन ने, यहाँ के प्रशासन ने, मेला प्राधिकरण ने यह व्यवस्था लागू कर दी है कि मेला क्षेत्र में, प्रयागराज मेला क्षेत्र में किसी भी वाहन की आवाजाही प्रतिबंधित है, कोई भी वाहन नहीं आ पाएगा। जिन वाहनों के पास बने हुए थे वह वाहन भी अब उन सभी के पास कैंसिल कर दिए गए हैं। ज़्यादा जानकारी हमें ये मिली है कि रोडवेज की बसेस जितने हैं, जितनी रोडवेज की बसेस हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, उन सबको, सबकी आवाजाही बंद कर दी गई है। 500-550 शटल बसेस चलाई जा रही हैं। अब अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैंने संगम के तट को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और अब मैं जा रहा हूँ। अगर मैं अपने कैमरामैन रजत से कहूँगा कि अगर आप कोशिश कर सके तो मेरे जो बिल्कुल आपके पीछे हैं वो व्यू दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पीछे जो व्यू है, आपको कई सारी लाइट से पहले, LED लाइट्स जहाँ लगी हुई है, उस LED लाइट से पहले आपको बीच में कहीं ना कहीं एक सेगमेंट दिख रहा होगा जहाँ डिवाइडर दिख रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा वहाँ पे बहुत सारी नौकाएं खड़ी हैं, बिल्कुल आप अगर आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे काफ़ी सारी नौकाएं खड़ी हैं। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जो वो नौकाएं खड़ी हैं वही है माँ गंगा, माँ यमुना और विलुप्त माँ सरस्वती का संगम। यमुना नदी इस तरफ से आती है, गंगा नदी कानपुर से उस तरफ से आती है, और कहीं अदृश्य रूप से माँ सरस्वती इन दोनों नदियों के साथ नीचे ही नीचे कहीं इनका संगम होता है, और यही है संगम की महिमा। लेकिन अंत करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि संतों के गले में है, संतों के गले में है रुद्राक्ष, भस्म और डमरू की माला। संतों के गले में है भस्म, डमरू और रुद्राक्ष की माला, क्योंकि कुंभ की हमारी बात बहुत निराली है। प्रयागराज से इस महास्नान, शाही स्नान के कवरेज के लिए हम यूं ही जुड़े रहेंगे। कल भी punjabkesari.com के साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन रजत शर्मा के साथ मैं निखिल कुमार, प्रयागराज, पंजाब केसरी, दिल्ली।